Let's see the proof. Now let's see the proof of second law. This is the sun. और मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक प्लैनेट मूव करता है और मैं बहुत छोटा डिस्टेंस ले रहा हूँ ये। सपोज इस टाइम टी पर और ये टी प्लस डी टी, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा देखे, नहीं तो ये बहुत छोटा टाइम ले रहा हूँ। डी टी से तो आप समझते हैं ये डी टी मतलब छोटा टाइम है ना। मैं ग्रीन से लिख देता हूँ क्योंकि शायद पिंक ना दिखे, तो डी टी टाइम है और इस वक्त इसकी वेलोसिटी वी है। रिमेंबर दैट टाइम इतना छोटा है, हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस अलग है, ये आर और ये समझ ये आर है, ये ज़्यादा है ये कम है, मानते हैं। आपको दिख पड़ा रहा है ये मैंने बहुत छोटा टाइम लिया है, इतना छोटा कि आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आर डैश ही है, इसलिए वेलोसिटी बदल नहीं रही क्योंकि वेलोसिटी तो आर ओमेगा होती है ना। वेलोसिटी बदलनी चाहिए थी क्योंकि आर बदल रहा है, पर हम इतना छोटा डिस्टेंस ले रहे हैं ये पी से क्यू कि ये नहीं बदल पाई। तो इस छोटे से टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ये पी क्यू डिस्टेंस जो है इसको हम चलो चाहे तो डी एल ले लें, दिस स्पीड इन टू टाइम, और क्योंकि हमने स्पीड चेंज नहीं होने दी तो हम लिख सकते हैं स्पीड वी इंटू डी टी। अगर आप इस ट्राइंगल को बाहर निकालें ये लीजिए, इस तरीके का ट्राइंगल बन गया है जिसमें ये डिस्टेंस वी डी टी है, ओके, और ये एंगल मैंने थीटा लिया है, ये वाला एंगल जो है थीटा है, बिल्कुल टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैंने इधर दिखा दिया है लेकिन इस तरीके से थीटा ये है, ये एस, ये पी और ये क्यू, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस डी एल वी डी टी के बराबर है, ये थीटा है, और हम इस पर परपेंडिकुलर गिराने वाले हैं इस तरीके से, ये लीजिए परपेंडिकुलर गिरा दिया है। मैं यहाँ भी गिरा के दिखाता हूँ परपेंडिकुलर, इस तरीके से गिराया है, ओके, दिस डिस्टेंस इज आर। नाउ व्हाट इज द एरिया, द स्मॉल एरिया, बिकॉज आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो दिस ट्राइंगल इज वेरी स्मॉल, ओके, इज हाफ बेस इंटू हाइट। अब आपको बेस दिख रहा होगा, आर के बराबर है, और हाइट कितनी है, ये हाइट है, क्या लिखें इसको, ये वी डी टी है ना, सामने वाला क्या हुआ, वी डी टी साइन थीटा, सो वी गॉट हाफ आर वी साइन थीटा इंटू डी टी, ये आपका डी ए आ गया। नाउ हम नीचे डी टी को बुला सकते हैं एंड वी गेट हाफ आर वी साइन थीटा, ये हमारा इक्वेशन का पहला टर्म आ जाता है, इसको फर्स्ट लगा लें। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एरियल वेलोसिटी है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं, लेट अस सी, हम आपको रिकैप दे दें फिर से कि हम यहां से यहां आए थे, एक ट्राइंगल स्वीप हुआ, हमें बस उस ट्राइंगल का एरिया निकालना हमारा उद्देश्य था, हमने निकाल लिया हाफ बेस इंटू दिस इज दी हाइट पी, सॉरी ये पी था ये क्यू था ये एन ले लो क्यू एन, और ये डिस्टेंस जो है वो वी डी टी है, और ये जो एंगल है ये थीटा लिया था हमने, इसलिए क्यू एन जो हो गया था वो वी डी टी साइन थीटा हो गया था, और एरिया निकल आया हाफ बेस वी डी टी साइन थीटा, इसको हमने बोला था स्मॉल एरिया स्वेप्ट, और डी ए बाई डी टी आ गया था हाफ आर वी साइन थीटा। वो आप कंफर्टेबल हो गए होंगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी करना, ये एरिया ऑफ एक तरह से मैंने एक सेक्टर ही लिया, तो बहुत बड़ी बात नहीं निकालना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखिए, हम एंगुलर मोमेंटम लिखने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट कैसे लिखें, इतने रीजन में तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो क्या होता है आर क्रॉस पी है ना, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम अगर
मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आर पी साइन थीटा। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज आर एम वी साइन थीटा। और अगर हम इसमें से एम यहाँ ले आए, एल बाई एम, वी गेट आर वी साइन थीटा। ये सब लो। अब एक मोटी बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए यहाँ पे, मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा सन है और ये प्लैनेट है। किसी भी जगह पर आप ले लें इसको, हमेशा फोर्स कहाँ है, टूवर्ड्स द सन, और फोर्स की लाइन जो है वो सन से गुजरती है। और ये प्लैनेट किस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, सन पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा, जहां पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन आर एंड एफ होता है। आर कैसे काउंट होता है, आर वो लाइन होती है अबाउट द सेंटर अबाउट विच द बॉडी इज रिवॉल्विंग, फोर्स भी वही है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना। ये सब फोर्स भी यही लग रहा है। इट्स लाइक दिस, सी सपोज मेरा ये पेन है, मैं पेन का रोटेट कर रहा है ऐसे, मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है तब भी रोटेट कर रहा है। और डिस्टेंस टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की दूरी ली जाती है। सपोज मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो मेरा फोर्स ऐसे है और लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स की इस तरफ है, मैंने जिस तरफ फोर्स लगाया उसे लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। उधर से सेंटर की दूरी ली जाती है लाइन ऑफ एक्शन पर, यहां पे जो मेरा फोर्स है वो टूवर्ड सेंटर ही है, तो लाइन ऑफ एक्शन दूरी कैसे ली जाए, ये फोर्स भी इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट की दूरी लाइन ऑफ एक्शन से ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, ये तो इसी पर है ना। फिर देखिए जब कोई चीज रोटेट करते टॉर्क कैसे फाइंड करते हो, ये लाइन ऑफ एक्शन है सीधी लाइन, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है वहां से 90 डिग्री लाइन खींचते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे, जो कि इधर है, यहाँ लाइन ऑफ एक्शन इधर है और पॉइंट भी यही है, तो दूरी कुछ है नहीं ना, जीरो है, इसीलिए टॉर्क जीरो आएगा, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आएगा। और जब भी वेन एवर एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, क्योंकि डीएल बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क होता है एक्सटर्नल, तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। दैट मींस एल बाय एम, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, मास कहाँ से गायब हो जाएगा, एल बाय एम कांस्टेंट है, विच मेक्स आर वी साइन थीटा टर्म ऑल्सो कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आर वी साइन थीटा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा तो ये टर्म भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। लिखा क्या है, हाफ ऑफ आर वी साइन थीटा एंड दैट मेक्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, द रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट कॉन्स्टेंट। ऐसे हम से प्रूफ करते हैं, ठीक है। मोटी भाषा में, आम भाषा में, आप अगर एग्जाम में डेरिवेशन करने बैठे हैं आप सीधे यहाँ पहुँचोगे डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 1/2 आर वी साइन थीटा, यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। बहुत बेसिक डेरिवेशन था, यहाँ तक हमने आपको छोटे में भी करके दिखाया। उसके बाद आप क्या करोगे, एक डायग्राम, या डायग्राम उसी पेज पर तो वहीं बने रहने दोगे और दिखाओगे कि फोर्स, ये जो फोर्स है और ये जो पॉइंट की फोर्स से दूरी कुछ है ही नहीं, इसी लाइन पर है ना। अगर फोर्स ऐसे कहीं होता तो दूरी इस पॉइंट से फोर्स पे ले लेते, लेकिन फोर्स तो उसी पॉइंट पर, हमेशा उसी पॉइंट पर ही रहेगा, तो कोई दूरी कभी ले ही नहीं पाओगे। इसलिए आप ये कह सकते हो सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, या ऐसे बोल सकते हो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच प्लैनेट रिवॉल्व्स। ये डेफिनेशन है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच प्लैनेट रिवॉल्व्स। सो ये पॉइंट है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो इस पॉइंट की, इस लाइन ऑफ फोर्स पर होने की वजह से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, हैंस यू कैन ईजली से टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो। कौन टॉर्क कौन लगाता है, टॉर्क तो इफेक्ट होता है, लगाता कौन है, फोर्स, फोर्स कौन है, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स का टॉर्क लिख देते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सॉरी, द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ये लिखना चाहिए, मैंने फोर्स लिख दिया, ड्यू टू ग्रेविटी
इज जीरो. हेंस अकॉर्डिंग टू dl by dt equals to torque external, l is a constant. Therefore, l by m, जो कि rv sin theta था, is a constant. Hence, dA by dt equals to 1 by 2 rv sin theta is constant. और यहां से हमने केपलर का दूसरा लॉ प्रूफ कर दिया है, ठीक है.